ये बात है धर्मपुर गांव की, जहां कुछ न कुछ कारनामे हमेशा ही होते रहते हैं। गांव में पीयूष कई सालों बाद विदेश से लौट कर आया था, जिसे देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश थे। साथ ही उसका छोटा भाई, जो बरसों से पीयूष का इंतजार कर रहा था। आप धोखेबाज हो, हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। मैंने आपका कितना इंतजार किया। अरे बाबा, पढ़ाई पूरी होगी तभी ना आऊंगा। तुम्हें तो पता है आना जाना कितना मुश्किल होता है। और अब मुझे भी आप लेकर चलेंगे ना? अभी तो आया हूँ, कम से कम चैन की सांस तो लेने दो। जब जाऊंगा तब लेकर चलूंगा। चतुर अपने साथ पीयूष को धर्मपुर गांव घुमाने ले जाता है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसे कई साल पहले था। कुछ नहीं बदला, ना बिजली आ रही है ना पानी की समस्या का हल हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है, गांव वाले बहुत भोंदू हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। इसी गांव में रह कर इनके तौर तरीके बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तुम्हारी पढ़ाई कैसे होती है? मैंने 12th तक की पढ़ाई शहर जाकर कर ली, क्योंकि उसके आगे वहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं था और ना ही कोई पढ़ना चाहता था। नहीं पढ़ना चाहते मतलब? कम बच्चे होने की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए। जैसे ही चतुर और पीयूष पूरा गांव घूमते हैं, पीयूष गांव की बुरी हालत देखकर सहम जाता है। और ये रहा चौराहा, ये भी वैसा का वैसा ही है। तभी वहाँ पर साइकिल से मनोज अपनी पत्नी के साथ आ रहा होता है। उसे देखकर पीयूष कहता है, अरे मनोज चाचा, पहचाना आपने मुझे? मैं पीयूष, आज ही विदेश से आया। अरे कैसे हो पीयूष बेटा, चतुर तुम्हारी खूब सारी बातें करता है। तो चाची को कहाँ से फिल्म दिखा कर ला रहे हो? क्या होता है ये कौन सा नया खेला आया है खेलने के लिए? ये कोई खेला नहीं है, एक बड़ा सा पर्दा होता है और वहाँ आपको लोग करतब करते हुए दिखेंगे जो असली नहीं होता। अच्छा, अब हमें क्या पता पीयूष बेटा, चलो मैं चलता हूँ। मनोज के वहाँ से जाते ही पीयूष संकोच में पड़ जाता है। मुझसे मेरा डमरूपुर गांव इस तरह नहीं देखा जा रहा, मुझे इनके लिए कुछ करना है। आप क्या करना चाहते हैं? मैं इन गांव वालों को भी वैसा जीवन देना चाहता हूँ जैसा शहर का हर एक आदमी जीता है। लेकिन आप करेंगे क्या? पीयूष अपने कमरे से एक बड़ा सा सफेद पर्दा निकालता है और चतुर से कहता है, इस सफेद पर्दे से मैं लोगों को बड़ी सी फिल्म दिखाऊंगा। अगर आप सच में ऐसा कर देंगे तो इस गांव के बच्चों और सबका भविष्य कुछ और होगा। लेकिन इसे चलाने के लिए हमें एक बड़ी सी बैटरी चाहिए। आप उसकी चिंता मत करो, पास ही के गांव में ट्रैक्टर से खेती होती है, उनकी बैटरी हमारे यहाँ रखी हुई है, हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। पीयूष चतुर के साथ मिलकर गांव के चौराहे में बड़ा सा सफेद पर्दा लगा देता है और चतुर जाकर बैटरी लेकर आता है। लेकिन इसे हम चालू कैसे करेंगे और लोगों को दिखाएंगे क्या? इस प्रोजेक्टर में पहले से ही कई सारे फिल्म्स और जानवरों की जानकारी है। इसमें खेतों का फायदा कैसे हो, जमीन उपजाऊ कैसे बने, उसकी भी जानकारी है। फिर देर किस बात की, चलो हम जाकर गांव में प्रचार करें और शाम को सारे गांव वालों को बिठाकर फिल्म दिखाएं। चतुर और पीयूष पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर अपना ओपन थिएटर चालू करते हैं, जिसे देखकर लोग आनंद ले सके। ये पर्दे में क्या होने वाला है, बाद में हम नहीं धोने वाले, पहले ही बताए रहे हैं। इसे धोना नहीं है ना कुछ करना है, आप सब जाकर पर्दे के सामने बैठ जाइए। जैसे ही थिएटर चालू हुआ, उसमें शेर की जोर से दहाड़ने की आवाज आई। शेर, शेर भागो, अगर हम जिंदा बच गए तो पीयूष और चतुर तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना। अरे रुक जाओ, इससे कुछ नहीं होगा, रुक जाओ, आप सबके फायदे की ही बात है, यहाँ रुकने से आपको ही कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा, रुक जाइए। पीयूष की बात सुनकर सारे गांव वाले रुक जाते हैं और फिर से उस सफेद पर्दे के सामने बैठ जाते हैं। चतुर फिर से चालू करो। जैसे ही चतुर पिक्चर चालू करता है, सारे गांव वाले बैठकर इत्मीनान से
खेतों और अपने फसल के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी लेने लगते हैं। ये जानकारी जो तुमने हमें इस सफेद पर्दे की मदद से दिलाई है, क्या इससे हमारा खेत सच में उपजाऊ होगा? जी बिल्कुल होगा, इसीलिए तो ये जानकारी मैं आपको मेरे इस छोटे से थिएटर की मदद से दिखा रहा हूँ। और क्या क्या हम इस छोटे पर्दे से सीख सकते हैं? इससे हम जानवरों का बेहतर पालन पोषण, खेत उपजाऊ कैसे करें, फसल अच्छी कैसे करें, इत्यादि सारी जानकारी सीख सकते हैं। अगर ऐसा है तो खेती आने वाली है, हमें तुम इस पर्दे की मदद से जो भी जानकारी हो सब सिखा दो। और वैसा ही हुआ। पीयूष और चतुर दोनों मिलकर गांव वालों को फसलों की जानकारी देने लगे। पीयूष और चतुर के इस पर्दे वाली जानकारी ने हमें इस बार अच्छा मुनाफा दिया। सफेद पर्दा नहीं, ओपन थिएटर, और इसकी बहुत मदद मिलने बाकी है। अभी गांव वाले अपने फसल का ख्याल उसी तरीके से रखने लगे जैसा कि उन्होंने सीखा था। कुछ महीने बीत चुके थे। गांव वाले हर खेत के फसल के पहले पीयूष और चतुर के पास जाकर फसलों को मजबूत बनाने वाली पिक्चर देखते और उन्हीं सारी जानकारियों पर अपने खेतों में अमल करते। भैया, क्या अब हम बस जानकारी ही देते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, जैसे ही गांव वालों को मुनाफा होगा, हम उनके लिए बड़ी सी थिएटर जहां फिल्में लग सके वैसी चालू कर देंगे। ये हुई ना बात, बस अब इस बार फसल कटने का इंतजार है। फसल काटने का समय आ गया था। पूरे साल गांव वालों ने जानकारी की मदद से खेतों में काम किया था। अब उसका नतीजा पता चलने वाला था। पूरे गांव में फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव वालों ने पीयूष और चतुर की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें बड़ा सा सरप्राइज दिया। ये रहा हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा तुम दोनों भाइयों को। जैसे ही उनके आंखों से पट्टी निकाली गई, उन्हें पता चला गांव वालों ने फसलों के मुनाफे से एक असली बड़ा सा थिएटर गांव में बना दिया है। अरे भैया, ये देखो, हमारे लिए पूरे गांव ने इतना कर दिया। शुक्रिया तो हमें तुम दोनों भाइयों का करना चाहिए, ये सब जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है। गांव वाले पीयूष और चतुर का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उस थिएटर में सारे गांव वाले मिलकर कई सारी फिल्में देखते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियां हासिल करते हैं।